नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सहजानंद विद्यालय बापा सीताराम चौक नवा नरोड़ा अहमदाबाद, कक्षा 8 विषय हिंदी में अगले लेक्चर में हमने गद्य 3 अंतरिक्षपरी सुनीता विलियम्स के बारे में देखा, जिसके लेखिका है डॉक्टर कोकिला पारेख। हमने जो आगे देखा उसके ऊपर थोड़ी नज़र डाल देते हैं। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 को ओहियो अमेरिका में हुआ है। बचपन से ही सुनीता दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग और धनुर्विद्या की शौकीन है। अमरीकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद से धरती पर उतरते देखकर सुनीता ने अंतरिक्ष में जाने का निश्चय कर लिया था। बचपन के इस सपने को बड़े होकर उन्होंने साकार किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चुना गया। उनकी अंतरिक्ष में जाने की तीव्र इच्छा के कारण वे नासा जाने में सफल हुई और आज तक वही कार्यरत हैं। सुनीता ने माइकल विलियम्स से शादी की, जो उनके सहाध्यायी और मित्र थे। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से सकुशल वापस आई तब पूरे विश्व ने राहत की सांस ली। नासा में सुनीता ने कल्पना के साथ काम किया था। दोनों को भारतीय संगीत से लगाव होने के कारण वे साथ जुड़ी रही। नासा में प्रशिक्षण लेने के बाद सुनीता अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। वैज्ञानिकी तकनीकी के व्याख्यान सुनकर उन्होंने यान और अंतरिक्ष कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त की, गोताखोरी सीखी और 9 दिन तक पानी के अंदर भी रही। इस प्रकार संपूर्ण प्रशिक्षण लगभग 8 वर्ष तक चला। यहाँ तक हमने देखा था, अब आगे देखेंगे। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस स्टेशन सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के लिए के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस स्टेशन से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर, यानी कि फ्लाइट इंजीनियर बन के डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची थी। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की और 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी यानी कि पहला कदम रखना, तो 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में उसने पहला कदम रखा था। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति कितनी थी? प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर की थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था और यह अड्डा यानी कि स्टेशन, तो ये जो अड्डा यानी कि स्टेशन है वो प्रतिदिन यानी कि हर रोज पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था, यानी कि लगाता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए, यानी कि सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए थे। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया और इस अभियान के दरमियान सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक यानी कि वहाँ पे चली, तो वह स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्रा बन चुकी है और इससे पहले भी अप्रैल माह में यानी कि अप्रैल महीने में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली ये हमारी सुनीता विलियम्स प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है।
अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के सैनोन ल्यूशिक का रिकॉर्ड तोड़ा। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली यानी कि सफर तय करने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई बनी सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे का जो सैनोन ल्यूशिक का रिकॉर्ड था वह सुनीता विलियम्स ने तोड़ दिया। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। सुनीता 6 महीने वहाँ पे रह के आई है, इसीलिए वो बोलती है कि वहाँ व्यायाम करना जरूरी है ताकि मांसपेशी और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, ताकि हमारा जो शरीर है वो कमज़ोर ना हो जाए, मांसपेशी और हड्डियाँ हमारी शक्तिशाली बने रहे, इसीलिए व्यायाम करना जरूरी है, शरीर को लचीला बनाए रखा जा सके और शरीर हमारा लचीला बना रहे, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। और कौन कौन से व्यायाम जरूरी हैं तो सुनीता विलियम्स ने बताया है कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना, ये आदि व्यायाम करना जरूरी है। अंतरिक्ष यात्री में सोना मुश्किल, रोड डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियां और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। अंतरिक्ष यात्रा में कौन कौन सी समस्याएं थी तो सुनीता विलियम्स बताती है कि अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल है, यानी सो जाना मुश्किल है, रोज डिब्बाबंद भोजन खाना पड़ता है, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होते हैं, मांसपेशियां और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण काम कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने तक प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कि ह्यूमन लाइफ यानी मानव जीवन का साइंस, फिजिकल साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर उसने काम किया है। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन के संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुँचाए। इसके अलावा जो काम करने के दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे जो वैज्ञानिक है उनके पास उसने पहुंचाए। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि हमने अपने ग्रह को कैसे आने वाले पीढ़ियों के लिए बचाए। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका यानी चांस और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि हमारे जो ग्रह हैं वह ग्रह को हम कैसे, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कैसे बचा के रखें। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवाद में उलझ रहे हैं। अंतरिक्ष में जाकर सुनीता विलियम्स को ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर खाली विवादों में उलझे रहते हैं। नई दिल्ली के अमरीकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि नई दिल्ली से अमरीकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा था तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यानी कि दरमियान सवालों के जवाब देते सुनीता ने कहा था कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नज़र नहीं आता। अंतरिक्ष में से हमें ये विश्व सीमाओं में बटा नज़र आता नहीं है।
वहाँ से सब एक जैसा ही लगता है। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही है। वहाँ से क्या दिखाई दे रहा है अंतरिक्ष से, तो वह बोलती है कि हमारी जो हमारा जो विश्व है वो सीमाओं में बटा नज़र नहीं आता, पर हमें यहाँ से सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़, आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंग में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था, यह दृश्य बहुत ही सुंदर था। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता के जैसे जो और 7 अंतरिक्ष यात्री थे उन सबको लेकर धरती की ओर रवाना होता है। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था और ये 19 जून 2007 को सुनीता हमारे भारत में आने वाली थी, तब हमारा जो पूरा विश्व है वह सुनीता के सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर यानी कि अंतरिक्ष में रहकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी कौन से दिन होती है, 22 जून 2007 को होती है। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीय और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। सुनीता के ये आश्चर्यजनक जो कार्य उसने किया उससे भारतीय और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। सर ऊंचा होना यानी गर्व प्राप्त करना। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। हम ये कह सकते हैं कि यदि हर एक नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सभी नारी को सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना पड़ेगा। विद्यार्थी मित्रों, यह अंतरिक्ष पर ही सुनीता विलियम्स इकाई हम यहाँ पे पूरी करते हैं। आगे अगले लेक्चर में मिलेंगे। जय स्वामीनारायण।